असदुद्दीन ओवैसी हमेशा अपने भाषणों से या अपनी बातों से सुर्खियों में बने रहते हैं और वो अब आ रहे हैं एक्शन प्लान के अंदर दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई पार्टी प्रमुखों की बैठक में भले ही एक देश एक चुनाव का मुद्दा दब गया हो, लेकिन संसद और सांसदों की गरिमा बढ़ाने, नए नए संसद भवन का विचार करने का, स्वच्छ योग अभियान के तर्ज पर जल संरक्षण अभियान चलाने पर सहमति बनी। बैठक में सदन में नेताओं ने हंगामे के दौरान सीधा प्रसारण बंद करने, वेतन भत्ते में कटौती और दल बदल कानून 90 दिनों में फैसला देना बाध्यकारी बनाने पर गंभीर मंथन हुआ। इसमें से कई मुद्दों पर पीएम मोदी ने सहमति भी दी, लेकिन ओवैसी ने उठाई थी नए संसद भवन की मांग। पीएम मोदी बोले, अभी विचार करेंगे। पीएम मोदी ने कई लोगों की यह बोल के बोलती बंद कर दी कि जिन मुद्दों पर अभी चर्चा नहीं की जा सकती उन मुद्दों पर अभी बात नहीं करेंगे, मगर बैठक में शामिल एजेंडे पर आगे बढ़ना वक्त की जरूरत है। मैं सभी पक्षों की राय में इन मुद्दों पर आम सहमति बनाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।